press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जेसी कैंपस। आज हमारा टॉपिक सिलॉलिज्म। इससे पहले सिलॉलिज्म हमने पहले भी पढ़ा है, पहले मैंने आपको बेसिक बताया था उसमें पूरा का पूरा कि कैसे हम सिलॉलिज्म को सॉल्व करते हैं, और उसमें मैंने आपको बताया था चार टाइप के हमारे पास स्टेटमेंट होते हैं। उसी में ही हमारे पास क्या रहता है, कंक्लूजन गिवन होता है। स्टेटमेंट गिवन होंगे, कंक्लूजन आपको आंसर निकालना होता है। अब जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास वो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको पहले कंक्लूजन गिवन होता है, देन स्टेटमेंट्स गिवन होती है। जो SBIPO वगैरह में क्वेश्चन आते हैं, IBSPO, SBIPO में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको कंक्लूजन गिवन्स होंगे। जैसे यहाँ पे आपने देख रहे होंगे, यहाँ पे दो कंक्लूजन हमें गिवन्स है, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स गिवन्स है। आपको ये चेक करना है कि ये कंक्लूजन किस स्टेटमेंट से निकल के आया है। अगर ये पता चल जाएगा किस स्टेटमेंट से निकल के आया, तो वो स्टेटमेंट हमारा आंसर होगा। क्लियर? तो हमें हर एक स्टेटमेंट के वेन डायग्राम बनाने होंगे। वेन डायग्राम बनाएंगे हम हर एक स्टेटमेंट का, जिस वेन डायग्राम से कंक्लूजन फाइंड आउट हो जाएगा वो स्टेटमेंट हमारा आंसर होगा। क्लियर? तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें लिखा हुआ कंक्लूजन, सम पेन्स आर शार्पनर्स, नो इरेजर इज अ पेन। दो हमारे पास कंक्लूजन गिवन है। स्टेटमेंट फर्स्ट हमारे पास है, सम पेन्स आर इरेजर्स, ऑल इरेजर्स आर शार्पनर्स। स्टेटमेंट टू, नो पेन इज एन इरेजर, सम इरेजर आर शार्पनर्स। स्टेटमेंट थ्री, सम शार्पनर्स आर इरेजर, ऑल पेन्स आर इरेजर। एंड स्टेटमेंट फोर, ऑल शार्पनर्स आर पेन, नो पेन इज एन इरेजर। तो इस टाइप से हमारे पास चार स्टेटमेंट है, देखते हैं किस स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकल के आता है। फर्स्ट है हमारे पास सम पेन्स आर इरेजर्स। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैसे हम इनके वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। आप उसे देख सकते हैं कि किस तरह से इनके सारे के सारे वेन डायग्राम ड्रॉ होते हैं। क्लियर? सम पेन्स आर इरेजर, यहां पे बना लेते हैं इसे, सम पेन्स आर इरेजर। क्लियर? सेकेंड हमारे पास, ऑल इरेजर आर शार्पनर्स, ऑल इरेजर्स आर शार्पनर्स। तो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट से हमने ये वेन डायग्राम ड्रॉ किया। अब चेक करते हैं, इसमें हमारे पास कंक्लूजन है सम पेन्स आर शार्पनर्स, सम पेन्स आर शार्पनर्स राइट है। सेकेंड है नो इरेजर इज अ पेन, नो इरेजर इज अ पेन, इसमें रॉन्ग हो रहा है, दैट मीन्स हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्लियर? सेकेंड आते हैं, नो पेन इज अ इज एन इरेजर, नो पेन इज एन इरेजर। क्लियर? सम इरेजर आर शार्पनर्स, सम इरेजर्स आर शार्पनर्स। अब फिर से यहां आते हैं, सम पेन्स आर शार्पनर्स, सम पेन्स आर शार्पनर्स रॉन्ग हो गया है, दैट मीन्स आवर सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। थर्ड में आते हैं, सम शार्पनर्स आर इरेजर्स, सम शार्पनर्स आर इरेजर्स। क्लियर? सेकंड है ऑल पेन्स आर इरेजर, ऑल पेन आर इरेजर, दैट मीन्स पेन यहां पे आ जाएगा, ऑल पेन्स आर इरेजर। फिर से आते हैं इसमें, सम पेन्स आर शार्पनर्स, सम पेन्स आर शार्पनर्स रॉन्ग हो रहा है यहां पे, दैट मीन्स स्टेटमेंट थ्री इज आल्सो रॉन्ग। फोर चेक करते हैं, सम शार्पनर्स आर, सॉरी, ऑल शार्पनर्स आर पेन, ऑल शार्पनर्स आर पेन। क्लियर? एंड नो पेन इज एन इरेजर, नो पेन इज एन इरेजर। हमने चेक किया नो पेन इज एन इरेजर। इसमें आते हैं सम पेन्स आर शार्पनर्स, सम पेन्स आर शार्पनर्स बिल्कुल राइट है, नो इरेजर इज अ पेन, नो इरेजर इज अ पेन बिल्कुल राइट है, दैट मीन्स स्टेटमेंट फोर इज आवर राइट आंसर। इस तरह से हम निकालेंगे कि कैसे कौन से ये कंक्लूजन किस स्टेटमेंट से निकल के आए हैं। इसको हम और इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं, आपको दो चार चीजें ध्यान में रखनी है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, अगर आपके पास पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं तो कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकलेगा। क्लियर? हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है कंक्लूजन, दैट मीन्स स्टेटमेंट में कहीं भी पॉजिटिव, दोनों के दोनों पॉजिटिव नहीं होने चाहिए। फर्स्ट में आते हैं दोनों के दोनों पॉजिटिव है, रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ये पॉसिबल है, हो सकता है आंसर। थर्ड में ये आपका पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें केवल इन दोनों के ही वेन डायग्राम बनाने होंगे उस टाइम पर। क्लियर? सारे वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आपने कंक्लूजन चेक किया कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इसका मतलब स्टेटमेंट दोनों के दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं। इसमें दोनों पॉजिटिव थे, इसमें दोनों पॉजिटिव थे, तो इनके वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं।
इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, सेम कंक्लूजन हमें गिवन है, सम फ्लावर्स आर लीव्स, सम रूट्स आर लीव्स. स्टेटमेंट फर्स्ट, सम रूट्स आर लीव, सम रूट्स आर फ्लावर. स्टेटमेंट सेकंड, नो फ्लावर इज अ रूट, ऑल रूट आर लीव्स. स्टेटमेंट थर्ड, ऑल फ्लावर्स आर रूट्स, ऑल लीव्स आर रूट्स. एंड स्टेटमेंट फोर्थ, ऑल लीव्स आर रूट्स एंड ऑल रूट्स आर फ्लावर्स. क्लियर? अब देखो यहाँ दोनों के दोनों हमारे पास जो कंक्लूजन है वो पॉजिटिव हैं, तो दैट मीन्स कोई भी जिस स्टेटमेंट में कोई एक स्टेटमेंट नेगेटिव होगी वो हम रॉन्ग कर देंगे. जैसे कि हमारे पास स्टेटमेंट सेकंड है, इसका हम वेन डायग्राम नहीं बनाएंगे. क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि उसमें क्या आ रहा है, नो फ्लावर इज अ रूट. ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया, ये पॉजिटिव है. इन दोनों का रिजल्ट नेगेटिव आना चाहिए था, लेकिन दोनों के दोनों हमें पॉजिटिव आंसर गिवन है, दैट मीन्स ये आंसर तो नहीं हो सकता. क्लियर? तो हमें मतलब फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ का ही वेन डायग्राम बनाना है. ठीक है, तो फर्स्ट वन तो क्लियर हो गया होगा. सेकंड में सबसे पहले फर्स्ट के लिए हम वेन डायग्राम बनाते हैं. सम रूट्स आर लीव्स, सम रूट्स आर लीव्स, सम रूट्स आर फ्लावर, सम रूट्स आर फ्लावर. क्लियर? सम रूट्स आर लीव्स एंड सम रूट्स आर फ्लावर्स. सबसे पहले आते हैं सम फ्लावर्स आर लीव, सम फ्लावर्स आर लीव्स. रॉन्ग हो रहा है, दैट मीन्स फर्स्ट वन इज रॉन्ग. सेकंड चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधे थर्ड में आएंगे. ऑल फ्लावर्स आर रूट्स, ऑल फ्लावर्स आर रूट्स. ऑल लीव्स आर रूट्स, ऑल लीव्स, सॉरी इस टाइप से नहीं बनेगा. ऑल लीव्स आर रूट्स का मतलब है लीव्स आपका अंदर बनेगा. ऑल लीव्स आर रूट्स. क्लियर? ये हो गया. चेक करते हैं, सम फ्लावर्स आर लीव्स, सम फ्लावर आर लीव्स नहीं बन रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स थर्ड वन इज ऑल्सो रॉन्ग. अब फोर्थ ही बचा हमारे पास, वही आंसर होना चाहिए. चेक करते हैं, ऑल लीव्स आर रूट्स, ऑल लीव्स आर रूट्स. ऑल रूट्स आर फ्लावर, ऑल रूट्स आर फ्लावर. क्लियर? सम फ्लावर्स आर लीव्स, सम फ्लावर्स आर लीव्स, राइट है. सम रूट्स आर लीव्स, सम रूट्स आर लीव्स, राइट है. दैट मीन्स स्टेटमेंट फोर इज वन राइट आंसर. इस तरह के क्वेश्चन हमारे SBI PO एंड IPS PO में आते हैं, तो आप इस तरह से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं. दो तीन चीजें ध्यान में रखेंगे तो इजिली सॉल्व हो जाएगा. ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर पॉजिटिव हमारे पास स्टेटमेंट है तो नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएगा, उससे आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं. बाकी वेन डायग्राम बनाना मैंने आपको बताया है, उससे सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, इसमें जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं सिलोलिज्म में, वो आता है पॉसिबिलिटी वाले केसेस. तो एक दो क्वेश्चन पॉसिबिलिटी के भी करेंगे. पॉसिबिलिटी के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे हम सॉल्व कर लेंगे. एग्जाम्पल देखते हैं. इसमें हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट गिवन है ऑल टीवी आर LCD, ऑल टीवी आर LCD. सेकंड, सम LCD आर LED, सम LCD आर LED. क्लियर? ये हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है. कंक्लूजन, जो कंक्लूजन है हमारे पास फर्स्ट, सम LED आर TV, सम LED आर TV. क्लियर? सेकंड, ऑल TV बीइंग LED इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल TV बीइंग LED इज अ पॉसिबिलिटी. क्लियर? अभी तक जो हमारे पास स्टेटमेंट थे, स्टेटमेंट गिवन थे और सिर्फ कंक्लूजन गिवन थे, हमारे पास पॉसिबिलिटी का कोई केस नहीं आ रहा था. अब जो क्वेश्चन हमारे पास है सिर्फ पॉसिबिलिटी का केस है, मतलब पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है. चेक करते हैं, आपको क्या करना है, वेन डायग्राम ड्रॉ करने हैं. ऑल TV आर LCD, दैट मीन्स ऑल TV आर LCD. क्लियर? सेकेंड है सम LCD आर LED, सम LCD आर LED. फर्स्ट, सम LED आर TV, सम LED आर TV बिल्कुल रॉन्ग है, इसमें नहीं बन रहा है. ऑल TV बीइंग LED इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल TV बीइंग LED इज अ पॉसिबिलिटी. चेक करते हैं, देखो इसमें तो आपको लग रहा होगा रॉन्ग है, लेकिन एक वेन डायग्राम और ड्रॉ करते हैं इसके लिए. दिस इज LCD एंड TV. क्लियर? हमारे पास गिवन था
हमारे पास गिवन था यहाँ पे एलईडी होगा, हमारे पास गिवन था ऑल टीवी आर एलसीडी, ऑल टीवी आर एलसीडी, नेक्स्ट सम एलसीडी आर एलईडी, सम एलसीडी आर एलईडी, क्लियर। इसमें देखिए आप ऑल टीवी बीइंग एलईडी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल टीवी बीइंग एलईडी हो रहा है दैट मींस पॉसिबिलिटी है, तो सेकंड वन इज राइट। पॉसिबिलिटी के केस में अगर आपके किसी भी एक वेन डायग्राम में राइट आ जाता है तो दैट मींस वो पॉसिबिलिटी राइट होती है। अगर आपको कंफर्म जैसे फर्स्ट वाला हमारे पास इसको ये राइट और रॉन्ग है तो आपको अगर ये राइट होगा तो सारे के सारे वेन डायग्राम में राइट होगा, किसी भी एक वेन डायग्राम अगर रॉन्ग हो गया तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्लियर। पॉसिबिलिटी के केस में किसी भी एक वेन डायग्राम में अगर राइट हो जाता है दैट मींस ये राइट है, ठीक है। इसी टाइप का एग्जांपल और लेते हैं, सेकंड स्टेटमेंट गिवन हमें, स्टेटमेंट इज सम डोर्स आर विंडो, सम डोर्स आर विंडो, क्लियर। सेकेंड वन इज नो विंडो, नो विंडो इज अ हाउस, नो विंडो इज अ हाउस, क्लियर। हमारे पास कंक्लूजन गिवन है इसमें, फर्स्ट इज ऑल हाउस बीइंग डोर इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी, क्लियर। सेकंड है एटलीस्ट some house is a window, स्टेटमेंट गिवन है हमारे पास some doors are window, second is no window is a house। इसमें हमारे पास कंक्लूजन जो गिवन है all houses being door is a possibility and second at least some houses is a window। फिर से इसमें हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, some doors are window, some doors are window, क्लियर। No window is a house, no window is a house, क्लियर। इसमें आता है ऑल हाउस बीइंग डोर इज अ पॉसिबिलिटी, इस वाले वेन डायग्राम से तो रॉन्ग हो रहा है बट एक और वेन डायग्राम बनाया जा सकता है जिसमें है सम डोर आर विंडो एंड नो विंडो इज अ हाउस, तो हाउस को हम डोर के अंदर तो बना सकते हैं। ऑल हाउस बीइंग डोर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल हाउस बीइंग डोर इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी है, दैट मींस दिस इज राइट। At least some house is a window, at least some house is a window, wrong है, और इसमें भी आपको दिख रहा है wrong है, that means second one is wrong। तो इस तरह से हम possibility के केसेस सॉल्व करते हैं। possibility के लिए बस आपको ये चेक करना है कि किसी एक वेन डायग्राम में राइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर राइट हो रहा होगा जैसे इसमें राइट हो रहा था दैट मीन्स वो राइट होगा, क्लियर। तो ये था हमारे पास syllogism, थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसी कैंपस, स्वागत है आपका जेसी कैंपस। आज हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे और